हिमाचल जुड़े देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोविड से जूझ रही दुनिया में मंकी पॉक्स के बाद अब एक और दुर्लभ संक्रमण के उभरने से वैज्ञानिक चिंतित है। गुजरात में समय एक खतरनाक बीमारी की वजह से करीब 1000 गायों और भैंसों की मौत हो चुकी है। मवेशियों में फैलने वाले इस रोग का नाम लंपी स्किन डिजीज बताया जा रहा है। हालांकि भारत में पहली बार इस रोग के मामले दर्ज किए गए हैं। आइए जानते हैं आखिरकार क्या है ये रोग और ये कैसे फैल रहा है। मंकी पॉक्स की तरह वायरस से फैलने वाला लंपी त्वचा रोग मच्छरों, मक्खियों, जू और तैतइयों के कारण फैलता है, जिसे गांठदार त्वचा रोग वायरस भी कहा जाता है। ये मवेशियों के सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए 2.68 लाख पशुओं को टीका लगाया गया है। लंपी त्वचा रोग की मुख्यतः 3 प्रजातियां होती हैं। बताया जाता है कि पहली और सबसे मुख्य प्रजाति कैंप्री पॉक्स वायरस है। इसके अलावा गोट पॉक्स वायरस और शीप पॉक्स वायरस 2 अन्य प्रजातियां हैं। अब आपको बताते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं। जानवरों में बुखार आना, आंखों और नाक से स्राव, मुंह से लार निकलना, पूरे शरीर में गांठों जैसे नरम छाले पड़ना, दूध उत्पादन में कमी आना और भोजन करने में कठिनाई इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा इस रोग में शरीर पर गांठें बन जाती हैं, गर्दन और सिर के पास इस तरह के नोड्यूल्स ज्यादा दिखाई देते हैं। कई दफा तो ये भी देखा जाता है कि इस रोग के चलते मादा मवेशियों में बांझपन, गर्भपात, निमोनिया और लंगड़ापन झेलना पड़ता है। लंपी वायरस को लेकर पशुपालन और डेयरी विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें सभी पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों को इस बीमारी को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। इसके साथ ही पशुपालकों को सलाह दी गई है कि वो अपने संदिग्ध मवेशियों को अलग रखें और जांच जरूर करवाएं। तो वहीं राजस्थान में लंपी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि ये वायरस अत्यंत संक्रामक है, पशुपालकों को सावधान रहना होगा। राज्य सरकार इसकी रोकथाम व बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सहयोग की अपील करते हुए गहलोत ने ये भी कहा कि गौशाला संचालक, जन प्रतिनिधि और स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करता हूं कि इस मौके पर सहयोग प्रदान करें।